भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के लोकप्रिय नेता सम्माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे निवर्तमान अध्यक्ष जिनके साथ मुझे लंबे समय तक काम करने का मौका मिला, भारत के गृह मंत्री सम्माननीय अमित भाई शाह जी, भारत के रक्षा मंत्री सम्माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे बहुत ही आदरणीय जिनके देखरेख में हम सबको काम करने का मौका मिला, ऐसे श्रद्धेय अडवाणी जी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, अभी एक कार्यक्रम से उनको जाना पड़ा, हमारे पूर्व में अध्यक्ष रहे और भारत सरकार में मंत्री श्री नितिन जी, भाई शिवराज सिंह जी, थावरचंद गहलोत जी, संतोष जी, सम्मानित मंच, यहां उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री बंधु, हमारे भारत सरकार में मंत्री, प्रदेश सरकार में भी मंत्री, सांसदगण और देश के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु, आज मुझे मैं आभार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जो प्रेम, जो विश्वास, जो सहयोग आपने मुझसे अब मुझ पर किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सबका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, इस पार्टी के काम को संभालने का और इसको आगे ले चलने का जो उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। हमारे निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमित भाई शाह जी, हमारे राजनाथ जी, हमारे नितिन जी, सभी संसदीय बोर्ड के सदस्यगण, सबने जो विश्वास व्यक्त किया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं और विश्वास भी देता हूं कि उनके विश्वास पर मैं चलने का पूरा प्रयास करूंगा। मैं धन्यवादी हूं प्रदेश की इकाइयों का, जिन्होंने निर्विरोध मुझे चुना है और निर्विरोध मुझे इस काम को करने का जो उन्होंने मौका दिया, अवसर दिया, इसके लिए प्रदेश की सभी इकाइयों को मैं धन्यवाद देता हूं। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय अडवाणी जी आए हैं, आदरणीय डॉक्टर जोशी जी आए हैं, उनका आशीर्वाद मुझे मिला है, उसके लिए भी मैं दिल से, गहराइयों से उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। मैं जब मंच की ओर देखता हूं अपने वरिष्ठ नेताओं को, तो मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं और मुझे अपना इतिहास याद आ जाता है, क्योंकि जहां बैठे हमारे सभी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सदस्य, उनके साथ, उनके नेतृत्व में मुझे काम करने का लंबा अवसर मिला है। जब मैं युवा मोर्चा में था तो डॉक्टर जोशी अध्यक्ष हुआ करते थे, जब मैं दूसरी बार युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना तो अडवाणी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और महामंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी हमारे प्रभारी हुआ करते थे, जिनके देख रेख में हमने युवाओं के बीच में भी काम किया और बाद में हिमाचल में भी काम किया। नितिन जी के साथ वो मुझे दिल्ली लेके आए थे, मैंने महामंत्री के रूप में उनके साथ भी काम किया, राजनाथ जी के साथ भी काम किया, और मुझे खुशी है कि लंबे समय तक मुझे अमित भाई के साथ भी काम करने का मौका मिला है। इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि जिसको शीर्ष नेतृत्व का इतना प्यार मिला हो,
उसे अगर कोई जिम्मेवारी मिलती है तो मैं ये महसूस करता हूं कि जहां आप जैसे लोग कार्यकर्ता मेरे साथ हैं वहां नेतृत्व भी मेरे साथ है, मैं पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ूंगा, इस बात का आपको विश्वास। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यशैली की विशेषताओं के बारे में चर्चा की है। उन्होंने बहुत बारीकी से पार्टी की रीति नीति के बारे में चर्चा करते हुए बताया कि हम कैसे अलग हैं। हम सिर्फ प्रिंसिपल्स में, नीतियों में और नीतियों की बारीकियों में ही अलग नहीं है, उनके नतीजे भी अलग हैं, इसको भी हमको समझना चाहिए। मुझ जैसा व्यक्ति, साधारण कार्यकर्ता जिसका राजनीतिक बैकग्राउंड परिदृश्य न हो, कोई पारिवारिक बैकग्राउंड राजनीति का ना हो, वह हिमाचल के सुदूर गांव से आकर इस जिम्मेवारी को उसको ये जिम्मेवारी अगर मिलती है तो यह भारतीय जनता पार्टी की विशेषता भी है और यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, इसको हमको समझना चाहिए। मंच पर बैठे हुए तमाम नेता जिन्होंने देश का नेतृत्व कर रहे हैं, किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं रहा है, सब अपने कर्म पर, अपनी मेहनत पर पार्टी को बढ़ाते हुए, पार्टी की रीति नीति को बढ़ाते हुए आज देश का नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में हम सब लोग काम में जुटे हैं, इसको हमको समझना चाहिए। यह हमारी विशेषता है, यह हमारी अलग पहचान है जिसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं ऐसी पार्टी में काम कर रहा हूं जहां उच्च परंपराओं को हमारे अध्यक्षों ने खड़ा किया है। हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम लें, हम दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम लें, हम कुशाभाऊ ठाकरे जी का नाम लें, हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रदेश स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक और राष्ट्रीय स्तर में भी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री तक की संगठन की बारीकियों को ध्यान में रखकर के काम किया है, यह हमको विशेष बात देखने को मिली। और इसलिए मैं ये महसूस करता हूं कि ऐसी पार्टी में जहां हम सब लोग संगठन के माध्यम से काम करते हुए आगे बढ़े हैं, उसमें जब हम काम करते हैं और आप सबका आशीर्वाद मिलता है तो यश मिलना स्वाभाविक है, यह भी हम महसूस करते हैं। अमित भाई ने अपने कार्यकाल में और उसके पहले राजनाथ जी ने, नितिन जी ने, सब ने पार्टी को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, उच्च परंपराओं को स्थापित किया, लेकिन पार्टी का मजबूती प्रदान करने का काम अमित भाई शाह जी ने पार्टी का संगठन को जोड़ करके जो चलाया है वह विशेष रहा। और अमित भाई का कहना है कि अभी पार्टी ने उत्कर्ष देखना बाकी है, अभी पार्टी को और अच्छा काम करना है और आगे बढ़ना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बहुत आशा भी व्यक्त की है, दृष्टि भी दी है और दिशा भी दी है जिस ओर हमको जाना है। मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। आज जहां पार्टी खड़ी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, देश में सबसे मजबूत और देश पर शासन करने वाली पार्टी है, राज्यों में शासन करने वाली पार्टी है, सबसे बड़े सदस्य संख्या सांसदों की हमारी है, सबसे बड़ी सदस्य संख्या विधायकों की हमारी है, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। कुछ प्रदेश अभी भी बच गए हैं, वहां भी हमारा निशाना पूरा है और आने वाले समय में सारे भारत में भारतीय जनता पार्टी के कमल को पहुंचाएंगे, यह विश्वास हम आपको देना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि नेतृत्व का आशीर्वाद लेते हुए, आप सबका सहयोग लेते हुए इस विचार की यात्रा, मां भारती की सेवा में जो हम सब लोग जुटे हैं,
उसको यश मिलेगा और हम यशस्वी होंगे और देश में राजनीति में इस विचार को आगे लेकर के देश की स्थिति को परिवर्तित करने में मां भारती की सेवा करने में एक अच्छे उपकरण बनेंगे। ये विश्वास मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को देता हूं, शीर्षस्थ नेतृत्व को देता हूं। आज पुनः आप सब लोग बड़ी संख्या में देश के कोने कोने से आए हैं, आपका आशीर्वाद मुझे मिला है। यह आशीर्वाद ही नहीं, मेरे लिए ताकत है और इस ताकत को लेकर के आपका सहयोग लेते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने में मैं काम करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।